आज बलिया के श्री मुरली मनोहर टाउन स्नातकोत्तर महाविद्यालय के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सभागार में श्री माँ के जन्मोत्सव पर वर्तमान प्रवेश में श्री अरविंद के शिक्षा दर्शन की प्रासंगिकता के मुख्य विषय रखा गया, जिसमें लगभग 250 बच्चे प्रतिभाग किए, जिसमें श्री माँ के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में श्री अरविंद पर प्रकाश डालते हुए डॉक्टर उपेंद्र सिंह ने बताया कि यह आधुनिक भारत के नवजागरण के उषा काल में श्री अरविंद रूपी एक ऐसे दिव्य पुरुष का अवतरण हुआ है जो अपने सुमधुर सुगंध से भारत सहित संपूर्ण विश्व को मोहित किया। आज के परिवेश को श्री अरविंद के शिक्षा दर्शन से जोड़ने की आवश्यकता है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय उत्तराखंड के पूर्व कुलपति प्रोफेसर लल्लन सिंह जी सिंह तथा श्री अरविंद सोसाइटी बलिया सिविल लाइन सेंटर के चेयरमैन डॉक्टर उपेंद्र सिंह तथा डॉक्टर आलोक प्रताप सिंह, डॉक्टर अवनीश पांडे, डॉक्टर उमेश सिंह, डॉक्टर संजय त्रिपाठी, डॉक्टर आर एन यादव, डॉक्टर ओझा, डॉक्टर धर्मेंद्र नाथ पांडे, डॉक्टर उमेश सिंह नागेंद्र, श्री प्रभांकर, श्री शिवजी सिंह, आनंद सिंह, रविन्द्रनाथ श्रीवास्तव इत्यादि ने अपने विचार दिए। संचालन डॉक्टर रमाकांत सिंह और आभार श्री राजनीश राय सचिव ने किया। रिपोर्ट बाय एजाज अहमद, समाचार इंडिया न्यूज बलिया। प्रोफेसर एल जे सिंह, पूर्व कुलपति हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय विश्वविद्यालय उत्तराखंड। आप टाउन महाविद्यालय के सभागार में आए, ये कैसा कार्यक्रम है, उद्देश्य क्या है? ये महर्षि अरविंद का 143 वार्षिक कार्यक्रम है और ये 21 फरवरी को जो ये चयन किया गया है, ये आगे भी मनाया जा सकता था, लेकिन 21 फरवरी क्यों चयन किया गया? जहाँ तक मैं समझता हूँ कि यूनेस्को ने 1999 में ये तय किया था कि मातृभाषा की रक्षा के लिए ये डेट 21 फरवरी को निर्धारित किया। तो मातृभाषा में पढ़ाई के लिए, प्राथमिक शिक्षा में और मातृभाषा की रक्षा के लिए यूनेस्को काम करता है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था है जो विज्ञान, संस्कृति और टेक्नोलॉजी को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग लेकर के ये बढ़ावा देती है। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज ये उनका ये कार्यक्रम है। आप कुलपति भी रहे हैं, हाँ, और आप श्री अरविंद के बारे में जानकारी काफ़ी रखते हैं, लेकिन काफ़ी समय से एक समाज में अव्यवस्था फैली हुई है, काफ़ी शिक्षा के बावजूद भी बच्चों बच्चियों में काफ़ी भेद है, बच्चियों का जहाँ तक शोषण की बात है, लगातार बलात्कार की घटनाएं आए दिन बढ़ती जा रही है। आप एक कुलपति रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे, आप इसको कैसे रोका जा सकता है? आप ये देखिए, ये बड़ा ही लंबा और ये पजीद ये प्रश्न है। जब तक हम अपने आप को नहीं सुधारेंगे, समाज सुधरने मान का नहीं है। आपने देखा होगा कि अभी मैं कुछ दिन पहले पढ़ रहा था, पर डे 87 ये दुष्कर्म हमारे देश में हो रहे हैं, लगभग 4000 महीने का है। तो आप ये देखेंगे कि जब तक कि जागरूकता नहीं होगी, पहले हमारी लड़कियां थीं, वो अपने को जो भी उनके साथ ये होता था, छेड़खानी होती थी, उसको छिपाती थी, लेकिन अब वो आउट हो रही हैं, मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। तो और जागरूकता की बात कर रहे हैं, कैसी जागरूकता होनी चाहिए? एक तो इनको ट्रेनिंग देनी चाहिए, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देनी चाहिए। दूसरा ये है कि जब तक वो फाइट नहीं करेंगी कि हमारे साथ ऐसा हुआ, जैसे जस्ट लाइक आपके वो कई महात्माओं के साथ हुआ, लड़कियां सामने आईं, खुल करके विरोध किया उन्होंने और आप देखें कि वो जेल के शिकंजे में हैं। लड़कियां सामने आ रही है, आपकी बात सही है, लेकिन इस कुकर्म को किस तरह से रोका जाए, क्या इसके विकल्प हो सकते हैं? इस कुकर्म को रोकने के लिए एक तो शिक्षा का प्रसार होना चाहिए, दूसरा ये कि बहुत ही यानी कड़े कानून बनाने चाहिए। लंबा कानून बनेगा तो ये फांसी तक का है, लेकिन आप देखिए ना, निर्भया कांड जो हुआ, एक लंबा प्रोसेस आप देख रहे हैं। अन्य देशों में आप जाइए, यदि आते हैं और आप प्रोफेसर हैं, मैं आपसे यही जानना चाहता था कि इस मंच के माध्यम से ऐसा क्या वो मंत्र होगा जिससे कि इस तरह की अपराध की समस्याओं से हम लोग आसानी से निपट सकें, समाज में क्या स्थापित किया जाए? भाई, इसमें तो एक तो नैतिक शिक्षा दी जाए,
साथ ही साथ उनमें जागरूकता पैदा किया जाए, उनमें सेल्फ डिफेंस पैदा किया जाए और सरकार इसके लिए कटिबद्ध हो रोकने के लिए, क्योंकि देखिए लाइन ऑर्डर मेंटेन करना सरकार का काम है। जब तक कि टेरर नहीं होगा, भय नहीं होगा, तब तक रुकने मान का नहीं है। बिन भय हो न प्रीत, भय होना जरूरी है और भय होगा किसका? कानून का। यदि विवेक है तो ठीक है, विवेक शून्य व्यक्ति यदि इस तरीके का काम करता है तो उसके लिए भय होना जरूरी है। अब देख रहे हो कि हमारे उत्तर प्रदेश में ही हालांकि अब घटनाएं कम हो रही हैं, तो उसी तरीके से ये कानून कड़ा से कड़ा, ये कानून इसको पास किया जाए, कानून को इम्प्लीमेंट किया जाए, लागू किया जाए, तब ये होगा। इस मंच के माध्यम से आप क्या जनता को संदेश देना चाहेंगे? इस मंच के माध्यम से यही चाहना चाहूँगा कि छात्रों को, ये छात्राओं को जागरूक किया जाए और उनको शिक्षित किया जाए, समाज की बुराइयों के बारे में बताया जाए और अपने को बचाते हुए वो निकलें घर से बाहर, अपनी रक्षा स्वयं करें, यदि कोई दिक्कत है पुलिस प्रशासन का सहयोग लें, यही हो सकता है।